जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, मुखबाल रविशम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। अगर इसे पहचान की अगर बात करें तो सा सी सम सरिस इस प्रकार के जहां शब्द आते हैं वहां उपमा अलंकार होता है। बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की, तो जिस पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। बात करेंगे ऑप्शन सी विभावना अलंकार की, तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेद चार प्रकार के हैं, ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। अगला क्वेश्चन, कल ही बारिश होगी, इस वाक्य में कौन सा शब्द निपात है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ही ये निपात शब्द है। निपात किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य में अतिरिक्त बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मेला ये समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। बात करेंगे हिमालय की तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बात करें लड़का तो ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि लखनऊ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदी में संज्ञा पाँच प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। बात करेंगे प्रतिदिन शब्द में समास की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। बात करेंगे प्रतिदिन के समास विग्रह की, तो प्रत्येक दिन इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं वहाँ द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास हिंदी में कुल छः प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य के रचयिता कौन है। तो यह काव्य गजानन माधव मुक्तिबोध का है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। तो उसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनकी रचनाओं में अगर बात करेंगे तो गोदान, गबन, कफन, बड़े घर की बेटी ये रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की है और इनका मूल नाम धनपत राय था। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, परि उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैर से लेकर सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से लेकर सिर तक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। बात करेंगे अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, इसकी वर्तनी अशुद्ध है, जबकि आशीर्वाद, पैतृक और गृहिणी इन सभी की वर्तनियाँ शुद्ध हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।